हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल आई टी आई वाइब्स पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं सेंट्रल रेलवे की तरफ से जो कि वैकेंसी निकाली गई है, और ये जो वैकेंसी है आपका अप्रेंटिसशिप के लिए जो है वैकेंसी निकाली गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रल रेलवे रिक्वायरमेंट सेल, जो कि ये वैकेंसी अप्रेंटिसशिप के लिए निकाली गई है। यहाँ पर नोटिफिकेशन में देख रखा है और एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 ओवर सेंट्रल रेलवे। ये जो डिवीज़न आप देख सकते हैं सेंट्रल रेलवे के डिवीज़न की तरफ से ये जो है निकाली गई वैकेंसी है, और ये जो वैकेंसी अप्रेंटिसशिप के लिए निकाली गई है। तो इससे पहले थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सामने से बेल का आइकन उसे प्रेस कर लेंगे ताकि कोई भी इस तरह का अपडेट आप तक पहुँच सके। चलते हैं आप लोग टॉपिक पर। यहाँ पे देख सकते हो ओपनिंग ऑनलाइन का जो डेट दिया गया है, यहाँ पे 29 अगस्त जो है 2023 जो है टाइम दिया गया है 11 बजे से। और यहाँ पे लास्ट अगर बात करेंगे डेट ऑफ टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे 28 सितंबर 2023 शाम 5 बजे तक यहाँ पर आपका टाइम दिया गया है। यहाँ पे देख रखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंटरेस्टेड कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसिस फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसिप एक्ट 1961 इन द डिजिग्नेटेड ट्रेड एट वर्कशॉप यूनिट, है ना। तो ये आप देख सकते हैं आपका जो वैकेंसी है जो है निकाली गई है, ये वैकेंसी आपका अप्रेंटिसिप के लिए निकाली गई है जो कि रेलवे की तरफ से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है रेलवे अगेंस्ट 2409 स्लॉट्स। यहाँ पे 2409 का आपका जो है सीट निकाली गई है, पदों पे जो है वैकेंसी निकाली गई 2409 का आपका जो है पद की संख्या, सीटों की संख्या यहाँ पे दिया गया है। अब नीचे चलेंगे हम लोग, नीचे में मेन जो पॉइंट है उनके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट हु अप्लाई अगेंस्ट द नोटिफिकेशन। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो यहाँ पे आपका मार्क्स के हिसाब से जो आपका यहाँ पे और प्लस ITI है ना, तो इसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होने वाला है। 50% एग्रीगेट मार्क्स जो बोल के रखा है यहाँ पे बता के रखा है, ये आपका मैट्रिक में होना चाहिए कम से कम 50% मार्क्स, देन आपका ITI भी साथ में होना चाहिए तभी आप इसे अप्लाई कर सकेंगे। क्लियर, चलते हैं नीचे चलेंगे हम लोग। यहाँ पे देख रखा है इन द अप्लाइड मार्क्स मेंशन इन द प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाई NCVT SCVT, दैट मीन्स NCVT SCVT जो करके रखे जो होल्डर है वो इसे अप्लाई करने सकेंगे, दोनों ही चलेंगे इसमें। नीचे चलेंगे हम लोग, यहाँ पे जो मेन पॉइंट है उनके बारे में बात करेंगे हम लोग। नीचे चलेंगे, नीचे में क्या देख रखा है ये देख सकते हैं आप, क्लस्टर आ गया हम लोग जो कि मेन पॉइंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लस्टर जो दिया गया है इसमें टोटल जो है 5 क्लस्टर है, मुंबई हो गया, भुसवाल हो गया, पुणे नागपुर हो गया, सोलापुर हो गया। तो ये आप 5 क्लस्टर देख रहे हैं, 5 क्लस्टर के बीच में जो इसके अंतर्गत जो जो आएंगे आप देख सकते हैं यूनिट में बांट दिया गया है इसको, जो कि कैरिज एंड वैगन कोचिंग वेडी वंडर मुंबई में है, कल्याण डीजल शेड, कुर्ला डीजल शेड है ना, SRTRS कल्याण, SRTRS कुर्ला, पुरले वर्कशॉप, मतुंगा वर्कशॉप एंड SNT वर्कशॉप बाई कुर्ला। तो ये मुंबई क्लस्टर में जो है दिया गया है। अब क्लस्टर चलेंगे भुसवाल का बात करेंगे हम लोग यूनिट में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैरिज एंड वैगन डिपोर्ट, इलेक्ट्रिक लोको सेड भुसवाल, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्कशॉप भुसवाल एंड मानमाद वर्कशॉप या TMW नासिक रोड, ये आपका जो है ये क्लस्टर के हिसाब से बांट दिया गया है, और जो कि 5 क्लस्टर इसमें दिया गया है जो कि पुणे भी है, नागपुर में भी है, सोलापुर में भी है। तो ये सब आप लोग सही से चेकआउट कर लेंगे इसको। नीचे चलेंगे हम लोग, मुंबई क्लस्टर में बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके कैरिज एंड वैगन कोचिंग वाड़ी वंडर, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रेड के बारे में दिया गया है यहाँ पे कुछ। तो यहाँ फिटर वेल्डर कारपेंटर पेंटर जो है इसमें दिया गया है, कैटेगरी वाइज को सीटों को बांट दिया गया है। यहाँ पे टोटल बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे कैरिज वैगन का जो कि मुंबई क्लस्टर में आता है इसके अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे 258 सीट दिया गया है टोटल, जो कि आपका ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का रहेगा। आप देख सकते हैं साइड में दिया गया है ITI पर्सन ट्रेड टू बी एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन, है ना। तो 1 साल का आपका यहाँ पे पीरियड रहेगा ट्रेनिंग का। नीचे चलेंगे हम लोग, नीचे कल्याण डीजल सेट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज सीटों को बांट दिया गया है, और 1 साल का ट्रेनिंग है, और इलेक्ट्रिशियन में से मशीनिस्ट वेल्डर भी दिया गया है, तो पासा का भी दिया गया है इसमें। और टोटल सीट के बारे में बात करेंगे, हमें 50 दिया गया टोटल। कुर्ला डीजल सेट के बारे में बात करेंगे ये, तो इसके अंतर्गत देख सकते हैं आप टोटल यहाँ पर 60 सीट दिया गया है। मुंबई क्लस्टर में आ जाते हैं हम लोग SRTRS कल्याण में, तो इसका टोटल सीट आप देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 179 है, जो कि फिटर टर्नर वेल्डर गैस इलेक्ट्रिशियन मशीनिस्ट इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक लेबोरेटरी असिस्टेंट देन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का भी यहाँ पे जो है ट्रेड दिया गया है। और यहाँ पे टोटल सीटों की बात करेंगे यहाँ पे, तो 179 यहाँ पे टोटल सीट दिया गया है। SR कुर्ला के बारे में बात करेंगे हमें, तो यहाँ पे 192 यहाँ पे जो है सीटों की संख्या दिया गया है टोटल करके रखा है, जो कि फिटर टर्नर गेल्डर गैस और इलेक्ट्रिशियन है। नीचे चलेंगे, अपारल वर्कशॉप यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे टोटल वैकेंसी देखेंगे हम लोग यहाँ पे 303 देन इसमें मुझे लगता है कि इसी में ज़्यादा सबसे ज़्यादा सीट दिया गया है। तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे अपारल वर्कशॉप में जो कि 303 सीट दिया गया है टोटल। मुंबई क्लस्टर की बात करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे मटुंगा वर्कशॉप दिया गया है, तो यहाँ पे आपका टोटल सीट यहाँ पे 547 है,
47 ये ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसका मतलब जो है कि मर्तों का वक्स में ज़्यादा सीट दिया गया है। तो ये सब आप लोग जो है देख लेंगे सही से। यहाँ पे भुसवाल क्लस्टर के बात करेंगे हम, तो देख सकते हैं यहाँ टोटल कैरेज एंड वैगन डिपोट के लिए जो जिसके अंतर्गत आएंगे, भुसवाल के अंतर्गत जो कैरेज एंड वैगन डिपोट आएंगे तो उनके लिए जो है यहाँ पे 122 का जो यहाँ पे टोटल सीट देख रखा है। ये भुसवाल क्लस्टर के बारे में बात चल रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोको सेट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे 80 सीट टोटल दिया गया है और यहाँ पे एक साल का पीरियड जैसे कि सब में सेम ही दिया गया है। क्लस्टर के जो क्लस्टर के अंतर्गत जो आएंगे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्कशॉप में बात करेंगे हम तो 118 दिया गया है। यहाँ पे 118 दिया गया सीटों की संख्या। मनवाद वर्कशॉप में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे तो देख सकते हैं 51 यहाँ पे दिया गया है। नासिक रोड TMW की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे तो पुणे क्लस्टर जो कि 47 है, पुणे क्लस्टर में यदि हम लोग आ जाएंगे तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग टोटल सीटों की संख्या 31 है। मीन्स कि आप आपका क्लस्टर वाइज जो बांट दिया गया है और सीटों की संख्या भी उसी के हिसाब से दिया गया है। नीचे चलेंगे हम लोग, नीचे में मेन पॉइंट क्या है, ये नागपुर क्लस्टर का आप लोग चेकआउट सही से कर लेंगे वीडियो को देख के। यहाँ पे टोटल सीट नागपुर में 66 दिया गया है कैरेज एंड वैगन डिपोट के लिए। यहाँ पे सोलापुर क्लस्टर की बात करेंगे कैरेज एंड वैगन डिपोट के लिए तो यहाँ 55 दिया गया है। कुर्दुबाड़ी वर्कशॉप में देखेंगे तो यहाँ पे 21 सीट दिया गया है। तो ये सब आप लोग सही चेकआउट कर लेंगे जो कि बांट दिया गया क्लस्टर यूनिट के क्लस्टर में यूनिट के हिसाब से बांट दिया गया इसको। नीचे चलेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशन में बात करेंगे यहाँ पे तो देख सकते हैं यहाँ पे द कैंडिडेट शुड हैव कम्प्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कम्प्लीटेड 25 ईयर्स। दैट मीन्स कि आपका जो है यहाँ पे 15 साल कम से कम होना चाहिए और मैक्सिमम एज यहाँ पे 24 जो है दे के रखा है 24। और डेट भी यहाँ पे दिया गया है 29 जो 29 तारीख 8वां महीना 2023 के बीच में आपका जो है मैक्सिमम एज के बारे में दिया गया है कि 24 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अपर एज लिमिट रिलेक्सेबल बाय द यहाँ पे आपका जो SC ST के लिए जो यहाँ पे 5 साल का छूट मिल रहा है एज में, 3 साल के लिए यहाँ पे OBC के लिए छूट मिल रहा है। यहाँ पे देख कर रखा है कम्युनिटी कैंडिडेट शुड यू बॉर्न बिटवीन बोथ डेट्स इंक्लूसिव। यहाँ पे आप जैसे कि अनरिजर्व में दिया गया है तो डेट ऑफ बर्थ जो है इसके बीच में होना चाहिए, आप लोग देख लेंगे जैसे कि यहाँ पे 29/8/1999 से लेके 29/8/2008 तक जो है आपका यहाँ पे जन्मतिथि होना चाहिए। इसी तरह SC का भी दिया गया है, ST का भी दिया गया है, तो सब चेकआउट आप लोग कर लेंगे। नीचे चलेंगे हम लोग, नीचे मेन पॉइंट के बारे में बात करेंगे हम लोग इसमें क्या देकर रखा है। अगर आप इसमें एलिजिबल है तो जरूर से अप्लाई करेंगे, बहुत अच्छी खासी ये जो है अप्रेंटिसशिप रेलवे की तरफ से वैकेंसी है अप्रेंटिसशिप के लिए। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैट्रिक चाहिए जो कि 50% मार्क्स होना चाहिए, जिसकी मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ 50% मार्क्स होना चाहिए प्लस की ITI होना चाहिए, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCBT SCBT होना चाहिए आपके पास। पेमेंट ऑफ फी की बारे में बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 रुपीज़ आपको लग रहा है जो कि नॉन रिफंडेबल है। और यहाँ पे देख रखा है SC ST और वुमेन के लिए और PWBD के लिए यहाँ पे फी नहीं लग रहा है, निःशुल्क है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं आप इसको। वेरीफाई पेमेंट बटन ऑफ ये तो आप लोग सही से चेकआउट कर लेंगे, प्रोसेस है चालान ये सब दिया गया है। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो ये सब आप लोग जो डिसेबिलिटी के अंतर्गत आएंगे लोग आप सही से चेकआउट कर लेंगे, जैसे मैकनिकल डिजल अपर लिम पेटलेट डैमेज लिटिल फिंगर, ये सब जो है आपको जो है चेकआउट कर लेना है सही से। अगर आप PWBD के अंतर्गत आएंगे, हैंडीकैप्ट के अंतर्गत आएंगे तो सब आप लोग सही से चेकआउट कर लेंगे, जैसे पेंटर जनरल के लिए 1 अपर एंड लोअर लिम पेटलेट डैमेज, तो ये सब क्या क्या मतलब होना चाहिए उसमें, ये सब आप लोग सही से चेकआउट कर लेंगे। ब्लाइंडनेस के लिए भी दिया गया है तो ये सब आप लोग सही से लो विज़न। नीचे चलेंगे हाउ टू अप्लाई में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर दिया गया, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय विजिटिंग RRCCR.com पे जाएंगे, उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप इसे अप्लाई करेंगे। जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, जो होल्डर अप्लाई करेंगे, वो जो है आपका डेट के हिसाब से जब आपका डेट हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए, जो डेट निकाली गई है जो तिथि निकाली गई उसी के हिसाब से आपको एक्टिव हो जाएंगे, देन आप इसे अप्लाई कर सकेंगे। नीचे चलेंगे हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं स्कैन फोटोग्राफ सॉफ्ट कॉपी और फोटोग्राफ, ये सब आप लोग जो है सही से चेकआउट कर लेंगे क्योंकि आप लोग क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं इसमें देखिए। SSS Standard 10 इट्स इक्विवेलेंट मार्कशीट होना चाहिए आपके पास, मार्कशीट होना चाहिए 10th का जो कि 50% मार्क्स होना चाहिए, देन NCBT हो या NCBT हो प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट यदि अप्लाई करते हैं उसके थ्रू से आप छूट लेना चाहते हैं रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो आपको ये जो है आपका सर्टिफिकेट अप्लाई करना होगा। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट फॉर एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे हम लोग, यहाँ देख सकते हैं 28/9 से जो है का लास्ट डेट रहेगा आपका, 5 बजे तक टाइम दिया गया है इसमें। ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टाइपेंड के बारे में बात करेंगे हम लोग जो कि मेन पॉइंट है, तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं ट्रेनिंग एंड पीरियड आपका वहाँ पे 1 साल का रहेगा। देन फिर क्या है कि यहाँ पे अगर स्टाइपेंड के बारे में बात करेंगे नेशनल और स्टेट सर्टिफिकेट होल्डर के लिए यहाँ पे 7,000 रुपये आपको पर मंथ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो
ज़रूर इसे अप्लाई करें यदि आप इसमें एलिजिबल है तो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन मेन पॉइंट है कि आपका जो है सबसे इसमें दिया गया है कि अगर आपके पास एंड मैट्रिक का 50% मार्क्स परसेंटेज में होना है तो होना है, नहीं तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकेंगे। यही जो है मेन पॉइंट है इसमें, पहले ही आप छट जाएंगे, फॉर्म जो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे दिया गया है कुछ, ये सब आप लोग चेकआउट सही से कर लेंगे, मेडिकल फिटनेस ये सब वगैरह वगैरह जो है सही से चेकआउट कर लेंगे। जो मेन पॉइंट था उसको हम लोग ने डिस्कस कर चुका हूँ, है ना, ये सब तो बता ही दिए आप लोगों को। और आप लोग इसमें एलिजिबल है, आप लोग योग्य है इसमें, तो ज़रूर इसे अप्लाई करें, और ज़रूर इसे अप्लाई करें क्योंकि अच्छी खासी ये वैकेंसी निकाली गई है। 5 क्लस्टर का वैकेंसी, 5 क्लस्टर में दिया गया है और इसको जो है यूनिट के हिसाब से इसको बांट दिया गया है। और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल जरूर मिला होगा, और इसी तरह हम लोग इस चैनल पे वीडियो लाते रहते हैं, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।